नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JK रोबोटिक। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, स्टेप बाय स्टेप और रेलिंग पर लगाने के लिए अब जो हमने नया कंट्रोलर बनाया है वो कुछ ये है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी लगा सकते हैं और रेलिंग पर भी लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग आप एंड्रॉयड फ़ोन से सेट कर सकते हैं। टोटल LED कितनी आपकी है, कौन सा कलर आपको चाहिए, कितनी स्पीड आपको चाहिए, रेलिंग पर लगाना है या स्टेप बाय स्टेप लगाना है, वो सब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एप्लीकेशन के द्वारा सेटिंग करके सेट कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम के साथ आपको एक ये कंट्रोलर मिलेगा, दो अप्रॉक्सीमेटली सेंसर मिलेंगे, एक 12 वोल्ट पिक्सल LED मिलेगी, एक पावर सप्लाई मिलेगी। LED वाइट ब्लैक दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, वर्किंग दोनों की सेम है। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये है पिक्सल LED, ये एक जैक इसका इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब अगर आपको 5 मीटर की जगह एक्स्ट्रा लगानी है तो अगले वाले जैक के इस इनपुट पर ये आपको वहाँ लगा देना है और माइनस प्लस जोड़ देना है। अभी फ़िलहाल हमें जो ये इस पिक्सल कंट्रोलर का इनपुट है, इसमें हमारा ये कनेक्टर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद इसमें दो वायर बची हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, रेड वायर पॉजिटिव और वाइट वायर नेगेटिव। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई इसके साथ मिलेगी आपको, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़नी है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़नी है, सेंसर में 3 वायर होती है, ब्राउन वायर पॉजिटिव 5 वोल्ट, ब्लैक वायर डाटा, ब्लू वायर ग्राउंड। दोनों सेंसर में सेम वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे कनेक्शन करने हैं। ग्राउंड सेंसर की वायर यानी डाटा वायर और पॉजिटिव, दोनों सेंसर अलग अलग जगह लगेंगे, एक सेंसर नीचे एक सेंसर ऊपर। ब्लू ग्राउंड में, ब्लैक डाटा यानी कि सेंसर का जो सेंसिंग पॉइंट होता है वो ब्लैक हो गया, ब्राउन पॉजिटिव 5 वोल्ट जो कि सेंसर के लिए पावर देगी। इस तरह से कनेक्शन है। सेम इसी प्रकार दूसरे सेंसर की वायर लगानी है, ब्राउन पॉजिटिव, ब्लैक डाटा, ब्लू ग्राउंड। अभी हमारे कनेक्शन हो चुके कंप्लीट दो सेंसर के, एक सेंसर आपको सबसे नीचे के स्टेप पे लगाना है और एक सबसे ऊपर के स्टेप पर। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे ही पहला सेंसर एक्टिव होगा, लाइट अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगा रहे हो तो 10-10 करके या जितनी भी आप सेट करोगे उतनी उतनी करके लाइट जलेगी, और अगर आप रेलिंग पर लगा रहे हो तो सीधी भागती जाएगी, जैसा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था दोनों कंडीशन में, स्टेप और रनिंग में। जैसे ही एक सेंसर एक्टिव होगा लाइट चलनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही दूसरा सेंसर एक्टिव होगा लाइट बंद होनी शुरू हो जाएगी। ये दोनों सेंसर आपस में एक दूसरे के विपरीत काम करते रहेंगे। अब मान के चलो मैं यहाँ से पहले सेंसर के सामने से क्रॉस हो गया, बीच में खड़ा रहा, तब तक ये लाइट जलती रहेगी। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे कंट्रोलर हैं जिसमें कि एक सेंसर एक्टिव होने के बाद कुछ देर के बाद लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, चाहे आप बीच में खड़े भी हो। तो ये फैसिलिटी हमारे कंट्रोलर में कुछ एक्स्ट्रा है। दोस्तों, अब ये कनेक्शन पूरे हो चुके हैं, आपको कंट्रोलर में एक रेड कलर की लाइट जलती हुई दिख रही होगी, पावर ऑन कर दी है। दो सेंसर पड़े हुए हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। जैसे ही पहला सेंसर एक्टिव होगा लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। अब जब तक मैं बीच में खड़ा रहूँगा सीढ़ियों में, जब तक लाइट जलती रहेगी। अब जैसे ही दूसरे सेंसर के सामने से कोई जाएगा तो लाइट बंद होनी शुरू हो जाएगी। यह है इसकी पूरी ऐप।
इस ऐप को आप जैसे ही खोलेंगे, खोलते ही दिखाएगा कनेक्टिंग टू जेके डिवाइस। आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये अब कनेक्ट हो चुका है। अब आप इस ऐप के माध्यम से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं ये ट्विंकल कर रहा हूँ, तो अब ये कलर अपने आप जलता रहेगा अगर कोई नहीं आ रहा तो, और जैसे ही कोई आएगा तो ऐसे होना शुरू हो जाएगा। जब कोई नहीं आएगा तो इस तरह से अपने आप बीच में डिजाइन चलते रहेंगे। आप चाहते हो ये डिजाइन चेंज करना तो पिंक बॉल, मैं थोड़ी सी रोशनी कम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। अब ये इस तरह से जब तक कोई नहीं आएगा तो ये कलर जलता रहे, ये लाइट जलती रहेगी। इसको आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब जैसे इसके सामने से कोई आया, पहले सेंसर के सामने से लाइट चालू हो गई। अब जब तक सीढ़ी में कोई खड़ा रहेगा तब तक लाइट चालू रहेगी, जैसे ही दूसरे सेंसर के सामने से कोई जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी। यही प्रक्रिया जीवन भर चलती रहेगी इस कंट्रोलर के साथ। ये एक वाईफाई कंट्रोलर है। पूरे सामान को खरीदने के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी सेटिंग कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों अभी जो ये रेलिंग का है, अब मैं इसे स्टेप कर करके दिखा रहा हूँ। तो स्टेप के लिए सबसे पहले आपको स्टेप पे टच करना है। टच करने के बाद आप पर स्टेप पे कितनी LED लगाना चाहते हो, यानी कि कितनी IC। जैसे मेरा अभी ये 12 वोल्ट का है तो मैं एक स्टेप पर 10 IC लगाना चाहता हूँ। सेव, टोटल IC कितनी है, एक रोल में 100 IC होती है, 5 मीटर के एक रोल में 100 IC होती है। तो मेरे टोटल हो गए, रिजल्ट जो आ गया 10 स्टेप मेरे बनेंगे आएंगे 5 मीटर के रोल में। ये सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे टोटल स्टेप और टोटल IC लिखोगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस पर टच करने के बाद। ये ऐप आपको इसके साथ मिलेगी फ्री में। सेव। तो दोस्तों अब हम रेलिंग से चलते हैं स्टेप की ओर। ये है पूरी इसकी सेटिंग, ब्राइटनेस कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल। अभी हमने स्टेप पर सेट कर दिया है। एक स्टेप पे 10 IC लगी हुई है, टोटल 10 स्टेप हैं और 100 IC हैं पूरे 5 मीटर के रोल में। ये सारी डिटेल आपको ऐप में दिख जाएगी। जैसे ही पहला सेंसर एक्टिव हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप हर बार 10 IC जल रही है, जो कि एक स्टेप के लिए हमने इस ऐप के थ्रू निर्धारित करी हुई है। जैसे ही दूसरा सेंसर एक्टिव हुआ, स्टेप बाय स्टेप बंद। अभी मैंने ये रैंडम पे किया हुआ है, मतलब कि हर बार अलग अलग कलर चलेगा। आप चाहते हो एक ही कलर करना तो वो आप ऐप में सेट कर सकते हो। अभी लाल जला था, अब हरा। ये रैंडम कलर किया हुआ है, मल्टी कलर कर सकते हो। अगर इसे बंद कर देते हो तो आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। अब येलो सेट कर दिया है, अब ये येलो जल रहा है। अब बंद होके जब भी चालू होगी तो ये अगला कलर चलेगा।
आप अपनी मर्जी से ऐप के थ्रू कलर सेट कर सकते हो। जैसा ऐप में दिख रहा है वैसा ही कलर यहाँ चल रहा है। बंद जब हो रही है जब मैं सेंसर के आगे हाथ रख रहा हूँ। ब्राइटनेस कम और ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये ब्राइटनेस कम हो गई है। स्पीड कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ये अब स्पीड ज़्यादा हो गई। स्टेप बाय स्टेप के लिए अब स्पीड कम हो गई। तो टोटल मिला के आप सब कुछ यहीं से सेट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। अब मान के चलिए स्टेप पर पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये बंद कर दिया। अब सीढ़ी पे कोई भी नहीं आ रहा और कोई भी नहीं जा रहा। और आप चाहते हो कि एक लाइट जलती रहे तो आपको उसके लिए यहाँ पर टच करना है। जब कोई आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। और जब कोई नहीं आ रहा तो ये एक लाइट धीरे धीरे हर स्टेप की ओर भागती रहेगी। कलर, स्पीड, ब्राइटनेस, डिजाइन सब कुछ आप इस ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल जो ये प्रोजेक्ट है स्टेप कंट्रोलर और रेलिंग कंट्रोलर पर एक ही कंट्रोलर लगेगा, जिस पर आप चाहो उस पर लगा सकते हो। अंधेरा इसलिए किया था क्योंकि थोड़ा साफ सा दिखे सब कुछ। इस पूरे सिस्टम के साथ आपको एक 5 मीटर का रोल मिलेगा, एक कंट्रोलर मिलेगा, 2 सेंसर मिलेंगे, एक पावर सप्लाई मिलेगी और एक ऐप मिलेगी। आप इसमें 5 मीटर से लेके 40 मीटर तक LED जला सकते हो। वो आपके पास आप पे डिपेंड है कि आपके कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आजकल आप वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते, कॉमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दिए हुए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।